वाराणसी में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी और ट्रस्ट के लोगों ने चंदा चोरी किया। चंदा चोरी के बाद अब जमीन घोटाले का प्रकरण भी सामने आया है, जिसमें दलितों की जमीन को खरीद करोड़ों में बेचा गया। ये कार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कमिश्नर, डीएम, विधायक व मेयर ने किया है। देखिए हमारे संवाददाता साजन अग्रहरी की रिपोर्ट। ये प्रकरण मैंने उठाया था राम मंदिर के निर्माण के नाम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, ट्रस्ट के लोग करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक चौंकाने वाला मामला भी फिर सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मामला क्या है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनता है 90 के दशक में, सोराव प्रयागराज का रहने वाला रोंघई, क्योंकि दलित की जमीन को दलित ही खरीद सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम है, तो वो सोराव से प्रयागराज से जाता है अयोध्या, और अयोध्या में जाकर दलितों की जमीन खरीदता है। जब वो जमीन 21 बीघा हो जाती है तो वही रोंघई दलित 21 बीघा जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत तरीके से दान कर देता है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। अब इसके आगे का खेल सुनिए कि जो दान में मिली हुई जमीन है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने के नाम पे जो भरोसा महर्षि ट्रस्ट ने दिलाया था गांव वालों का, क्योंकि कल मेरी गांव वालों से भी बात हुई, जब मंदिर का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ट्रस्ट दलितों की जमीन को प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए में बेचता है, और खरीदने वालों में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कमिश्नर, डीएम, विधायक, मेयर, कोई बचा नहीं। तो ये जो करोड़ों रुपए का जमीन की जालसाजी का मामला हुआ है अयोध्या में, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर ट्रस्ट बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने ट्रस्ट बनाया है, तो एक तरफ ट्रस्ट के ऊपर चंदा चोरी का मामला है और दूसरी तरफ अधिकारियों और विधायक, मेयर, भाजपा के नेताओं के द्वारा जमीन की जालसाजी का इतना बड़ा मामला है। तो आम आदमी पार्टी की मांग है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जाए, और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो भी विधायक नेता इसमें दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात तय नहीं हो पाई, क्या पेच फंस रहा है कि गठबंधन नहीं हो पा रही? देखिए, हमने उस दिन भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने की एक सैद्धांतिक सहमति है। गठबंधन की बात हमने कहा था कि अगर इस दिशा में कोई भी बात होती है तो आपको बताएंगे। अब पार्टी ने फैसला किया, हम 403 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपके पास जो कैडर कार्यकर्ता है वो है नहीं, और जितने आप कैसे जानते हैं? नहीं, जमीन पर कैसे पता? पहले से कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसी पार्टी है जो 200 सीटों पे अब तक अपने प्रभारी प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 1600 जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ाया था, जिसमें से हमारे 83 जिला पंचायत सदस्य जीते थे और हमको 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिला। तो आप अगर मान के बैठे हमारी तिरंगा यात्रा इतनी बड़ी बड़ी हुई, अयोध्या में, लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में, अभी लोनी में हुई, तो ये आप मान के अगर बैठे हैं कि हमारी पार्टी का आधार नहीं, तो आपकी अपनी सोच हो सकती है। मान लिया कि आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ, ऐसा मान लिया कि 403 सीटों पे आपकी पार्टी ने, आपका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा 300 यूनिट बिजली फ्री,
10 लाख नौकरी हर साल और 5,000 बेरोजगारी भत्ता हर महीने, 25% शिक्षा के ऊपर बजट का खर्च करना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। किसान के फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। भाई साहब, जो मुद्दा आप गिना रहे यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी आपका लागू है, वही मुद्दा पंजाब के अंदर भी लागू है, बात है। वही अंतर आपने छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी लिया था, वही मुद्दा दिल्ली में भी चल रहा है एकदम। जो अच्छे चीज है, पानी मुफ्त चाहिए तो हर जगह चाहिए, बिजली फ्री चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए। सर, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखो, एक तरफ तो सरकार कहती है कि आधार आईडी नहीं हो सकती, एफिडेविट लेके कहती है, और दूसरी तरफ आधार से क्यों लिंक कर रहे हो आप? वोटर आईडी अपने आप में पर्याप्त है वोट देने के लिए, तो उसको आधार से लिंक करने के पीछे लॉजिक क्या है, सोच क्या है? फर्जी वोट रोकने की कवायद होगी अगर इससे आधार से लिंक हो। फर्जी वोट रोकने की कवायद उससे कैसे हो जाएगी? आधार से लिंक होगा तो कैसे हो जाएगी? मुझे समझ में नहीं आया। आधार हैक हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी का हैक हो गया है बैंक अकाउंट आधार के जरिए। तो एक गाना मैंने सुना था, दो जासूस करे महसूस की दुनिया बड़ी खराब है, तो दो जासूसों का राज देश में चल रहा है, वो सबको सबके घर में झांकना चाहते हैं, उनका एक ही धंधा।